जय बोला दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नव वर्ष का टाइम है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। महादेव आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं दोस्तों वो पूर्ण करें और आप अपने घर में जल्दी से शिफ्ट करें। ठंड बहुत हो चुकी है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा। और मैं इस ठंड में आपके लिए लाया हूँ दोस्तों एल टाइप कॉर्नर का 4BHK फ्लैट। ये 4BHK का फ्लैट दोस्तों ऑन पेपर 120 स्क्वायर यार्ड है। स्लैब एरिया की बात करें दोस्तों तो लगभग 145 स्क्वायर यार्ड का इसका स्लैब एरिया आपका बनता है। बहुत प्राइम लोकेशन है, मेन मेट्रो लाइन से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पर है दोस्तों। नवादा मेट्रो स्टेशन यहां से सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पर है। यानी कि दोस्तों ये प्रॉपर्टी ना केवल प्राइम लोकेशन पर है, एल टाइप भी है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो LIC से लोन भी हम इस पर आपका करवा कर देंगे। विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है दोस्तों, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड है, लोन आप इजीली ले पाएंगे। 80% का लोन हम करवा कर देंगे दोस्तों और कोशिश करेंगे कि मोर देन 80% का लोन भी हम आपका करवा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक शानदार सी विजिट आपके इस 4BHK एल टाइप कॉर्नर फ्लैट की। ऊपर आने के बाद दोस्तों ये हमारा कॉमन पैसेज है। एक 3BHK का फ्लैट हमारा इस तरफ भी है। ये 80 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है दोस्तों और स्लैब एरिया के हिसाब से 95 स्क्वायर यार्ड आपको मिलने वाला है। इसकी वीडियो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम शूट करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके 4BHK फ्लैट के बारे में। यहाँ दोस्तों आपका लिफ्ट सेक्शन है और लिफ्ट भी दोस्तों आपकी ऑलरेडी यहाँ पर वर्किंग है। तो चलिए अब आपको ले चलता हूँ आपके 4BHK फ्लैट के अंदर। यहां से एंट्री है दोस्तों आपके इस 4BHK फ्लैट की। और अंदर एंट्री करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये आपको एक ऐसा एरिया मिलता है दोस्तों जहां आपको डाइनिंग टेबल लगाने के लिए भी परफेक्टली जगह मिलती है और यहां पर अपना सिटिंग एरिया भी एक तरफ आप दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफी अच्छा खुला डुला एरिया आपको मिलता है, जिससे कि रोम अराउंड भी आप इजिली कर सकते हैं और काफी लंबी और बड़ी चौड़ी गैलरी भी आपको मिलती है दोस्तों। बच्चे अगर यहाँ खेलना चाहें, एक छोटी सी दौड़ लगाना चाहें दोस्तों, तो वो भी यहाँ पर इजिली आप लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले लिविंग स्पेस की। तो आप देख सकते हैं एल टाइप का सोफा आप यहां लगा सकते हैं, दो पफ आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, 8-10% की सीटिंग यहां दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें अपने डाइनिंग स्पेस की, तो यहां पर 6% के बैठने के लिए टेबल ऑलरेडी हमने सेट की हुई है। आप देख सकते हैं कि 6 लोग बैठ कर यहां पर खाना आराम से इजिली खा सकते हैं। बात करें दोस्तों डिजाइनर वॉल्स की, तो डाइनिंग टेबल के ठीक पीछे आपको हमने ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन दोनों ही दोस्तों डिजाइनर करके दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि फोकस लाइट के साथ डिजाइनर पीस रखने के बाद दोस्तों कितनी प्यारी गेटअप आपके डाइनिंग स्पेस के ठीक पीछे की वॉल की आपको यहां पर मिलने वाली है। अगर आप फुली फर्निश लेते हैं दोस्तों तो AC की फिटिंग भी आपको यहां पर मिलती है। आप देख सकते हैं इस तरफ की अगर बात करें दोस्तों तो लिविंग स्पेस में सोफे के ठीक पीछे की वॉल भी हमने आपके लिए डिजाइनर की है। आप देख सकते हैं आपको ग्लास वर्क मिलने वाला है, आपको यहाँ पर दोस्तों जो डिजाइनर वॉलपेपर है वो मिलने वाला है। सेफ्टी के लिए आपको CCTV कैमरा दोस्तों हमने लगा कर दिए हैं, तो यहाँ पर उसका पैनल आपको मिलता है। सीलिंग की अगर बात करें दोस्तों तो सीलिंग का डिजाइन भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया है। बीच में दोस्तों वुडन का जो वर्क है वो आपको मिलेगा, कॉब लाइट्स आपको मिलती है दोस्तों और डिफरेंट डिजाइन और पैटर्न में आपको ये सीलिंग मिलती है। और इसके अलावा डाइनिंग टेबल के ऊपर की जो सीलिंग है दोस्तों ये भी हमने सेपरेटली डिफरेंट तरीके से अलग तरीके से दोस्तों डिजाइन की है। तो आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट दोस्तों जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह का जो काम है वो बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े जो बंगले हैं दोस्तों उनमें पहले होता था, लेकिन अब हमारे फ्लैट्स के अंदर भी हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। चलिए बात करते हैं हमारे टीवी पैनल की। तो यहाँ दोस्तों आपको टीवी पैनल मिलता है जो कि काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी 55 इंच का टीवी हमने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। इनकेस अगर आप फुली फर्निश्ड फ्लैट लेते हैं तो ये आपको मिलेगा। तो काफी बड़ा टीवी पैनल है दोस्तों। नीचे आपको 3 बड़ी बड़ी डॉट्स मिलती हैं, ओपन शेल्फ मिलती हैं, और उसके अलावा इस तरफ भी आप देखेंगे कि वुडन पैटर्न आपको मिलता है, साथ में दोस्तों मिरर वर्क आपको मिलता है। यानी कि काफी शानदार और अच्छी गेटअप दोस्तों आपके टीवी पैनल की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जो कंप्लीट एरिया है दोस्तों ये काफी बड़ा है। जब आप एंट्री करेंगे अपने लिविंग स्पेस में तो डेफिनेटली आपको एक 4BHK की फील यहां पर आने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों हमारी किचन की। तो यहां पर आपको काफी बड़ी और शानदार किचन मिलती है दोस्तों। हमारी बहनें किचन का बेसब्री से इंतजार करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यू टाइप की आपको यहाँ पर किचन मिलती है। किचन की एंट्रेंस पर ही आपको काफी बड़ा एरिया मिल जाता है फ्रिज लगाने के लिए। फ्रिज के पीछे हमने कंप्लीट जो टाइल वर्क है दोस्तों वो आपको दिया है। इस तरफ आपको एक छोटा सा वुडन पार्टीशन भी दोस्तों हमने करके दिया है। और उसके बाद शुरू हो जाती है दोस्तों आपकी ये किचन। किचन के अंदर यू टाइप का स्लैब है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके ऊपर दोस्तों नैनो पत्थर का हमने इस्तेमाल किया है। डबल मोल्डिंग का आपको वर्क मिलता है।
सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नीचे के स्पेस की। स्टोरेज के लिहाज से दोस्तों आपकी किचन काफी खास हो जाती है। स्पेस वैसे तो आपको मिलता ही है दोस्तों, 2 से 3 लोग बहुत इजीली खड़े होकर यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको जो स्टोरेज मिलती है वो भी काफी अच्छी खासी इस किचन में आपको मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की दोस्तों जो बास्केट्स हैं वो मिलती हैं, अलग अलग साइज की बास्केट मिलती है दोस्तों, और ये बहुत सॉफ्ट क्लोज है दोस्तों। हल्का सा पुश करेंगे दोस्तों और ये इजीली क्लोज हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन भी हमने यहाँ पर काफी प्यारा आपको दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 जो ड्रॉर्स हैं वो मिलती हैं, उसके अलावा दोस्तों आपको कैबिनेट्स मिलती हैं और इस तरफ भी आपको 3 ड्रॉर्स मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि आपको पेंट्री भी मिलती है। पेंट्री में काफी कुछ सामान आपके घर का, आपकी किचन का आप आराम से रख सकते हैं दोस्तों। मिडिल सेक्शन की अगर बात करें दोस्तों तो इस तरफ आपको आपके माइक्रोवेव लगाने के लिए परफेक्टली जगह हमने डिजाइन करके दी है, और उसके ऊपर भी आप देखेंगे दोस्तों तो आपको काफी अच्छी खासी जो स्टोरेज है वो यहाँ पर मिल जाती है। जो कलर कॉम्बिनेशन दोस्तों आपने देखा होगा कि अंदर भी हमने जो व्हाइट माइका है उनका इस्तेमाल किया है, जिससे कि रोशनी रहे, जो सामान आप अंदर रखें वो भी प्रॉपरली आपको दिखाई दे। मिडिल सेक्शन में दोस्तों इस तरफ आपको काफी बड़ी विंडो मिलती है। विंडो में दोस्तों जितना भी काम आपको मिलेगा वो सारा का सारा UPVC का मिलेगा। इसकी गेटअप काफी अच्छी आती है दोस्तों और ये काफी अच्छा भी लगता है। चलिए बात करते हैं हमारे स्विचिंग सॉकेट्स की। तो इस तरह भी दोस्तों हमने आपको 2 स्विचिंग सॉकेट दिए हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप इजीली इस्तेमाल कर पाए। कंप्लीट आपको यहाँ पर जो टाइल वर्क है दोस्तों वो मिलने वाला है, डबल सिंक मिलने वाला है आप देख सकते हैं, और जितने भी दोस्तों हमने टैब्स इस्तेमाल किए हैं और सैनिटरी फिटिंग्स इस्तेमाल की है दोस्तों, वो सारी की सारी जगुआर की आपको इस फ्लैट के अंदर मिलने वाली है। अपर सेक्शन की अगर बात करें तो अपर सेक्शन में भी आपको जो स्टोरेज है दोस्तों वो काफी अच्छी खासी मिलती है। आप देख सकते हैं अंदर भी माइका और बाहर भी माइका दोस्तों, सफाई रखने में काफी इजी रहता है और आपके लिए काफी अच्छी ये किचन रहने वाली है दोस्तों। किचन आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरफ अगर बात करें तो आपको चिमनी मिलती है दोस्तों, और चिमनी के नीचे ही आपको जो ओपन एरिया है वो मिल जाता है। चिमनी आपकी वेस्ट फेसिंग की तरफ है दोस्तों, तो ये भी वास्तु के लिहाज से अच्छी मानी जाती है। किचन के बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हमारे पहले बेडरूम के बारे में, और ये जो बेडरूम है दोस्तों ये आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि ये स्पेस के लिहाज से भी दोस्तों काफी बड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे मैनेज भी किया है। आप देख सकते हैं 6x6 का बेड लगाने के बाद भी आपको तीनों तरफ काफी अच्छा खासा दोस्तों जो स्पेस है वो मिल जाता है। इस रूम के अंदर दोस्तों एक तरफ आपको वार्डरोब मिलती है, आप देख सकते हैं काफी बड़ी वार्डरोब आपको यहाँ पर मिल जाती है। बेड के पीछे आपको जो डिजाइन वर्क है दोस्तों वो मिल जाता है। सीलिंग की अगर बात करें तो जो सीलिंग का डिजाइन है ये भी दोस्तों डिफरेंट और यूनिक आपको यहाँ पर मिलता है। और बेड के ठीक सामने अगेन आपको काफी बड़ा टीवी पैनल यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों, और नीचे अच्छी खासी स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस तरफ आप देखेंगे अटैच वॉशरूम आपको मिलता है, या आपका मास्टर बेडरूम भी है दोस्तों। हालांकि इस फ्लैट के अंदर दोस्तों आपको 3 वॉशरूम मिलते हैं, तो ये आपका पहला वॉशरूम है जो कि काफी बड़ा है, स्पेशियस है। रूफ हाइट तक की दोस्तों डिजाइनर टाइल वर्क आपको मिलेगा, अगेन जगुआर की फिटिंग आपको मिलेगी, वॉल हैंगिंग कबर्ड आपको मिलती है। यहाँ दोस्तों आपको डाइवर्टर की फिटिंग मिलती है जो कि जगुआर की है, और इस तरफ अगेन दोस्तों सोम सेरा का बहुत प्यारा सा आपको जो वॉश बेसिन है वो मिलता है, और उसके अलावा दोस्तों उसके ऊपर जगुआर की फिटिंग आपको मिलती है। यहाँ आपको वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिलता है, एग्जॉस्ट फैन दोस्तों आपको यहाँ पर लगा कर देंगे, और सीलिंग की लाइट्स भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती है। तो बहुत प्यारा शानदार सा और बड़ा दोस्तों आपका ये वॉशरूम आपको मिलता है। इस तरफ आपकी बालकनी के लिए एक्सेस आपको मिलता है। बालकनी से दोस्तों हम लोग बाद में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम में जाने के लिए दोस्तों आपको अगेन लिविंग स्पेस से होके ही गुजरना होगा। इस पूरे फ्लैट की दोस्तों जो बनावट है ये आपको बहुत सरप्राइजिंग होने वाली है, क्योंकि कोई भी बेडरूम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है दोस्तों, सारे ही बेडरूम सेपरेट आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम के बारे में। ये आपका सेकेंड बेडरूम है दोस्तों, और ये भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ भी अगेन 6x6 का बेड डलने के बाद आपको तीनों तरफ काफ़ी अच्छी खासी जो स्पेस है दोस्तों वो मिल जाता है। इस तरफ दोस्तों बालकनी के लिए एक्सेस आपको मिलता है, इस तरफ आपकी वार्डरोब आपको मिलती है, और ये वार्डरोब भी दोस्तों बहुत बड़ी आपको मिलती है, 8 फीट वाइड और ऑलमोस्ट 8 फीट की दोस्तों आपकी वार्डरोब आपको मिल जाती है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी स्टोरेज आपको यहाँ पर मिलती है। इस तरफ आपको अगेन टीवी पैनल मिलता है, और टीवी पैनल भी दोस्तों काफी अच्छा मिलता है। नीचे भी आपको यहाँ पर स्टोरेज मिलती है और ओपन शेल्फ मिल जाती है, और इस बेडरूम के साथ भी दोस्तों आपको एक वॉशरूम अटैच मिलता है, और ये वॉशरूम भी दोस्तों काफी बड़ा है, स्पेशियस है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस वॉशरूम में भी आपको एक तरफ जो वॉल हैंगिंग कमोड है दोस्तों वो मिलती है, सोनशेरा की आपको
जो वॉश बेसिन है वो मिलता है, जगुआर की फिटिंग मिलती है, और इस तरफ दोस्तों आपको जो डाइवर्टर है ये भी जगुआर का मिलता है, और जो बेथिंग एरिया है ये भी काफी बड़ा आपको मिल जाता है। रूफ हाइट तक की आपको टाइल्स मिलती हैं, अगेन आपको एग्जॉस्ट लगा कर देंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका सेकंड बेडरूम था, और सेकंड बेडरूम के साथ भी आपको जैसे कि बालकनी भी अटैच मिलती है, और साथ में आपकी जो वॉशरूम है दोस्तों वो भी आपको अटैच मिलता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमारे बाकी के दो बेडरूम्स के बारे में, और ये दोनों ही बेडरूम दोस्तों हमारे 35 फीट की रोड की तरफ लगते हैं, और ये बेडरूम आप देखेंगे दोस्तों आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि ये बेडरूम उनसे भी काफी बड़े हैं। आप देख सकते हैं 6x6 का बेड लगाने के बाद भी काफी अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। इस तरह दोस्तों आपको साइड टेबल मिलती है, पीछे की वॉल आपको डिजाइनर मिलती है, अगेन सीलिंग के डिजाइन की बात करें तो आपको यूनिक और डिफरेंट यहाँ पर मिल जाता है। इस बेडरूम के साथ दोस्तों काफी बड़ी विंडो भी आपको मिलती है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी दोस्तों जितना भी काम आपको मिलेगा वो सारा UPVC का आपको मिलने वाला है। ये डोर भी दोस्तों इवन आपको कंप्लीट ग्लास डोर मिलने वाला है। इस तरह की गेटअप दोस्तों आपको मेजरली जो बड़े फ्लैट्स हैं, जो बड़ी कोठियां होती हैं दोस्तों, या फिर जो DLF के फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स में इस तरह का काम आपको देखने को मिलता है जो हम लोग अपने फ्लैट के अंदर करवा कर देंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे वॉशरूम की, तो यहाँ पर आपको जो वॉशरूम मिलता है ये भी अटैच मिलता है। ये सेम वॉशरूम है दोस्तों जो साथ वाले रूम के साथ अटैच है, तो दोनों ही रूम के साथ इसे हमने अटैच कर दिया है। इनकेस अगर आप चाहते हैं इस रूम के साथ यूज करना तो वहां से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर मिलते हैं। अब हम चलेंगे दोस्तों हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ, और ये फोर्थ बेडरूम भी दोस्तों आपको पसंद आने वाला है क्योंकि ये भी काफी बड़ा बेडरूम है। आप देख सकते हैं काफी बड़ा आपको ये बेडरूम मिलता है, और आप देख पाएंगे कि कितना शानदार लुक और डिजाइन दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इनकेस अगर आप फुली फर्निश्ड फ्लैट लेते हैं तो आपको एक कोटिंग वर्क मिलेगा दोस्तों, अदरवाइज आपको यहाँ पर जो वॉलपेपर है वो लगा कर देंगे। और बेड के ठीक सामने अगेन आपको बहुत प्यारा सा जो LED पैनल है वो देखने को मिलेगा, कॉब लाइट के साथ मिलेगा दोस्तों, और साथ में आपको डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए भी स्पेस मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाती है। सीलिंग का डिजाइन अगेन दोस्तों वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है, आपको ये जरूर पसंद आएगा। और इस रूम में भी दोस्तों आपको एक काफी बड़ी वार्डरूम मिल जाती है, यानी कि अगेन आपको स्टोरेज मिल जाती है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो विंडो है दोस्तों ये भी काफी बड़ी मिलती है, और यहाँ पर भी आपको जो UPVC का वर्क है वो देखने को मिलेगा, और अगेन दोस्तों आपको जो ग्लास है, जो ग्लास डोर है दोस्तों वो यहाँ पर मिलता है। हैवी डोर है दोस्तों, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफी अच्छा है, और जो लुक वाइज है दोस्तों उसके लिहाज से भी ये काफी अच्छा आपको मिलने वाला है। इस बेडरूम के साथ दोस्तों हमने वॉशरूम भी अटैच किया है। ये जो वॉशरूम है दोस्तों ये कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम को हमने कॉमन भी रखा है दोस्तों, और इस रूम के साथ भी अटैच किया है। तो काफी दोस्तों की डिमांड रहती है कि जो कॉमन वॉशरूम है वो बहुत कम यूज होता है, तो उसे आप अगर हो सके तो बेडरूम के साथ अटैच कर दीजिए, इसीलिए दोस्तों हमने इसे अटैच कर दिया है। तो ये दोस्तों आपका कॉमन कम अटैच वॉशरूम है, और आप देख सकते हैं कि स्क्वायर में आपको ये वॉशरूम मिलता है, बहुत प्यारे और डिजाइनर तरीके से दोस्तों इसे डिजाइन किया गया है। जितनी भी आपको जो टाइल्स मिलने वाली है वो सारी की सारी दोस्तों डिजाइनर टाइल्स मिलने वाली है, और बहुत अच्छे पैटर्न तरीके से इसे लगाया गया है। एक तरफ आपको वॉल हैंगिंग शीट मिलती है दोस्तों, इस तरफ आपको बेथिंग एरिया मिलता है दोस्तों। इनकेस अगर आप बेथिंग एरिया को सेपरेट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना ग्लास का पार्टीशन भी दे सकते हैं। जगुआर की आपको फिटिंग मिलती है, और काफी अच्छा खासा स्पेस आपको बेथिंग के लिए मिल जाता है। इस तरह दोस्तों कंप्लीट आपको स्पेस मिलता है आपके वॉश बेसिन के लिए, डिजाइनर वॉश बेसिन आपको मिलता है दोस्तों, साथ में आपको जगुआर की फिटिंग मिलती है, और नीचे बहुत बड़ी वैनिटी भी आपको मिल जाती है जिसमें टॉयलेटरीज जो है दोस्तों वो इजीली आप रख पाएंगे। और यहीं से एग्जिट है दोस्तों आपके कॉमन वॉशरूम की, इनकेस अगर आप कॉमन वॉशरूम की तरह इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। बालकनी की बात करेंगे दोस्तों, तो बालकनी भी आपको इस बिल्डिंग में दो मिलती है, एक फ्रंट साइड में मिलती है दोस्तों, और एक साइड में जो 10 फीट की गली है उस तरफ मिलती है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं आपकी पहली बालकनी की तरफ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 4 BHK का फ्लैट जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि एल टाइप कॉर्नर की प्रॉपर्टी 145 स्क्वायर यार्ड का स्लैब एरिया, मेन रोड से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी विद लिफ्ट विद कार पार्किंग दोस्तों, काफी रीजनेबल कीमत पर हम आपको ये फ्लैट देने वाले हैं। इसकी कीमत दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दी है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं इसकी कीमत क्या है। और इसके अलावा किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए कॉल करना ना भूलें दोस्तों नीचे दिए गए नंबर्स पर। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिएगा, इनकेस आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग आपको आपके सपनों के घर तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।